गुड मॉर्निंग राधे। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये थोड़ा पिक सेंड की सी तो ये 12 सेंटेंस थानू भेजे सी ते थानू कहा सी कि तुसीं इन्हां दी वॉइस चेंज करनी है। इस तो पहला थानू वीडियो भेजियां सी वॉइस नू समझाउण दी खातर। सो हुण एक्सरसाइज भी जिहड़ा मैं थानू दसदा भी आपां किवें चेंज करना हुंदा है स्टैप वाइज। जदों भी आपां वॉइस चेंज करनी है तो सब तो पहले की करना आपां तीन सॉरी दो चीज़ां जरूरी है वॉइस चेंज करने लई। एक तो आपां दो लाइन उपर लै लैनी है डू डस इज इक्वल टू वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू इज एम डिड इज इक्वल टू वर्ब दी सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू वाज वर। इन दो लाइनों की आपां हेल्प लवेंगे बिच कदों हेल्प लवेंगे ये थानू मैं अगे आ गया अपने परसन। ठीक है ना हाउ मैनी काइंड ऑफ मेन परसन जो होंगे ने वो कि होंगे ने परसनल परसन कि आई वी यू ही शी इट और दे सैवन ने जोड़े है आई वी यू ही शी दे इट आप लिखे नहीं बिच क्योंकि वो जो यूज आ बॉय चेंज करने नहीं होंगे। सो हम Let's start changing the voice of these tenses. You did not play football. सब तो पहला what is the first step? पहला step की है the first step is to find out where is subject, helping verb, verb or object. So step number one जेहड़ा है वो अपना देखना है कि subject कितने है you is subject, did hidden helping verb, not play verb the first form for football is object. ये अपना step first complete. और second step अपना क्या है second step अपना है क्या है कि exchange of subject and object. जिधर subject ते object मान लो क्या subject और आ object इनमें अपन क्या ना एक्सचेंज सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट हम वेयर इज सब्जेक्ट फुटबॉल फुटबॉल विल बिकम सब्जेक्ट तो फुटबॉल को आप यू दे हेठा लिखा ये अपना सब्जेक्ट बन गया और वेयर इज सब्जेक्ट यू इज सब्जेक्ट और यू विल बिकम ऑब्जेक्ट यू इज प्रोनाउन परसन प्रोनाउन है ना। सो परसन प्रोनाउन है देखो बॉक्स देखो यू सब्जेक्ट यू आर पोजेसिव और यू ऑब्जेक्ट यू तो यू ही रह गया ऑब्जेक्ट इस करके यू तो यू बन गया ऑब्जेक्ट यू दे के अपन क्या करने हैं बाय आप पिछे तो अगे नूं आने होने हैं तो बाय दे के आने में आप वर्ब दी थर्ड फॉर्म सो की बन गया ना प्ले दा प्ले नॉट तो नॉट जिस तरह लिखा गया आप उस तरह ही लिखी जाना याद रखना कि भावें वर्ब के फस्ट फॉर्म लिखी है चाहे सैकेंड आ आप फस्ट और सैकेंड दोनों ही फॉर्म्स में थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता जो आप वॉइस में चेंज कर रहे हैं। सो इतने अगर गए हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन हो चाहे हिडन हेल्पिंग वर्ब हो चाहे होगा आप सब्जेक्ट तो वर्ब के विचकार एक ब्लैंक छड़ लेते हैं तो वह ब्लैंक आप जी बाद में सोच के उन्होंने फिर कर रहे हैं। अगर इतने अपने को हिडन हेल्पिंग वर्ब तो आप इन दो लाइन की हेल्प लवेंगे अगर इतने अपने को हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं तो भी आप इन की हेल्प लवेंगे अगर आप मेन हेल्पिंग वर्ब है तो आप इन की हेल्प नहीं लवेंगे तो आप मेन हेल्पिंग वर्ब की फैमिली को पूरा कर लवेंगे तो उन्होंने जोड़ा सूटेबल हो चूज करके उन्होंने इस ब्लैंक के फिर कर लवेंगे। हम थो पता होना चाहिए कि हाउ मेनी काइंड ऑफ मेन हैल्पिंग वर्ब्स आर कि प्रकार के मेन हैल्पिंग वर्ब होंगे आम तौर पर मेन मेन जो होंगे दस कि इज एम आर तीन वाज वर पांच बेल शेल कि हो गए सैवन है ना हैज हैव और हैड सैवन प्लस थ्री टेन सो टेन मेन हैल्पिंग वर्ब हो गए। तो हाउ मेनी काइंड ऑफ हिडन हैल्पिंग वर्ब हिडन हैल्पिंग वर्ब कड़े होंगे ने थ्री कौन कौन से डू
डज और डिड, ये तो आटे की हो गया। देन हिडन हेल्पिंग वर्ब, सो व्हाट हिडन हेल्पिंग वर्ब डिड, अब फाइंड वर्ब लगा के डिड इज इक्वल टू सेकंड फॉर्म, ते सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू वाज वर्ब, इसे करके हम इधर लगाएंगे वाज से वर्ब बचे कोई एक। और फुटबॉल की है, फुटबॉल इज सिंगुलर, इसे करके हम इधर लगाएंगे वाज, दूसरा तरह के लगाएंगे वर्ब, ये हो गया थर्ड पास्ट टेंस कंप्लीट। सेकंड शी इज नॉट कॉम्बिंग हर हेयर, कि वो अपने बाल नहीं बा रही है, उसने बाल उस द्वारा नहीं बाहे जा रहे हैं, इस तरह बनावांगे। पहला स्टेप कवर करिए सब्जेक्ट इज मेन हेल्पिंग वर्ब नॉट द नॉट कॉम्बिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हर, हर किया हर हेयर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का लेके लिए सब्जेक्ट दे देना हर हेयर शी, तो की बन गया हर, हर ने आगे बाय, और बाय ने आगे बाकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी है, इस करके आप आईएनजी को काट के बीइंग बनावांगे, ते फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके थर्ड फॉर्म कॉम, जिना टाइम तक आईएनजी नहीं करते उना टाइम तक फिर वो अपन चेंज नहीं कर सकते। सो इथे क्या गया बी कॉम नॉट द नॉट पोस्टलाइन करता, ते हुन इथे इज लग गया इज की है मेन हेल्पिंग वर्ब, इस करके आप इना की हेल्प नहीं लेनी, ते इथे की करांगे इहदी फैमिली पूरी करांगे किवें इज एम और आ, ते इना ते जेड़ा सूटेबल है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੇਅਰ ਸੌਰੀ ਹਰ ਹੇਅਰ, ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਹਰ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਂਗ ਕਾਊਂਟ ਬਾਏ ਹਰ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਆਈ ਬਾਜ ਮੇਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਕ ਡੈਕੋਰੇਟਿੰਗ ਵਰਕ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਪਲੱਸ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਮਾਈ ਹਾਊਸ, ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਵੀ ਆ ऑब्जेक्ट, सो आई के रिगति बन गया माई हाउस, आई सब्जेक्ट फिर बता ऑब्जेक्ट, आई से बनेगा मी, मी के आगे बाय और बाय के आगे आई नहीं लगी है, सो इसको कार्टन नाम के बीन और डेकोरेटेड का बन गया डेकोरेटेड डॉट कॉम। सो एक क्या अपने को रहेगी ब्रांड बाज इज मेन हेल्पिंग वर्ब, सो कंप्लीट इट्स फैमिली वाज और वर, चूज वन एनी सुटेबल वाज और वर, माई हाउस इज सिंगुलर मेरा घर, सो माई हाउस वाज बीइंग डेकोरेटेड बाई मी। अगे विल यू नॉट ओबे माई ऑर्डर, विल यू नॉट ओबे माई ऑर्डर, हम ये जो हेल्पिंग वर्ब शुरू होया इस करके आप शुरू में ही ब्लैंक छड़ देनी है, जिथे हेल्पिंग वर्ब आ उथे ब्लैंक छड़ी हुई है। You is a subject, not, not, away, but the first form. My order is object. Object will become subject, my order. You, subject will become object. You say, you. You ke aage, by. Or by ke aage, not form, away. ठीक है, एक से आप बनाए छड़ने हैं, इतने छड़ने हो, हैप्पी बर्थडे नीचे की छड़ने हैं। फिर मगर साइन ऑफ डेरोगेटिव विल इज अ मेन हेल्पिंग वर्ब, सो कंप्लीट इट्स फैमिली विल और शेयर, और चूज एनी वन दैट इज सुटेबल, वेयर वी कैन यूज शेयर, शेयर कैन बी यूज विद फर्स्ट पर्सन, व्हाट आर दे आई और वी, और इतने माई और लिखा है, सो इतने आप यूज करेंगे बेल। एक चीज आपने को हो रही है इतने आप होर की एड करते हमने बेल चलते ना बी, बी यूज कितने करना वर्ब दी थर्ड फॉर्म दे नाल, सो इथे अपने को आ गया बी, याद रखना बेल शैल दे नाल बी और हैव हैड दे नाल की लावांगे आपां बीन, बाकी आपां देखो अगे नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी आपां नेक्स्ट करते हैं दे डू नॉट रब देयर बोल, सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट वेयर इज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट और वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, दे इज सब्जेक्ट डू हिडन हेल्पिंग वर्ब नॉट नॉट रब इज वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, देयर बोर्ड इज ऑब्जेक्ट, इतने इकला ही बोर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर वट इज देयर, देयर इज पजेसिव, देयर जो पिछकार वॉक्स बैठे
आई आवर योर इज हर देयर इन्हों पजैसिव बोलते हैं। पजैसिव मतलब वो शब्द दसते हैं कि अपना किस चीज़ के उपर अधिकार। सो वो पजैसिव के नाल जो वर्ड का होता इकट्ठे ही अगे आते हैं। सो देयर के हेठ आप सब्जेक्ट बनावे देयर बोर्ड दे तो पढ़ गया अपने को देन बाई रब फर्स्ट फॉर्म तो बन गई थर्ड नॉट की जगह से नॉट इतने आप रह गए ब्लैंक रह गए। सो डू की है हिडन हेल्पिंग वर्ब। सो आप हेल्प लवेंगे कि नहीं लवेंगे डू डाल दिल एक पर फर्स्ट फॉर्म तो पर फर्स्ट फॉर्म इसे कटू इस एम आर। सो इस एम आर जो जोड़ा सूटेबल है वो लगावे देयर बोर्ड उन्होंने बोर्ड बोर्ड एक का इस करके लगा इज देयर बोर्ड इज नॉट रब्ड बाय देम। नेक्स्ट डू यू नॉट राइट योर वर्क कि तुम अपना काम नहीं लिखते हो कि थोड़ा काम थोड़े द्वारा नहीं लिखा जाता है इस तरह ही पढ़ना डू इज हेल्पिंग वर्ब इस करके आप इतने ही रहता हिडन हेल्पिंग वर्ब आ ठीक यू सब्जेक्ट नॉट द नॉट राइट वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म योर वर्क इज ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट बन गया इतने सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है हमेशा बाय बाय के नाल हमेशा बनाने होने वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट की जगह से नॉट तो हेल्पिंग वर्ब की जगह से ब्लैंक और देखो डू इज हिडन हेल्पिंग वर्ब। सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ दीज टू लाइन्स डू इज इक्वल टू फॉर द फर्स्ट फॉर्म और फॉर द फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू इज एम आर। सो व्हाट इज सूटेबल योर वर्क तुहाडा कम इज योर वर्क नॉट रिटन बाय यू एट द साइन ऑफ इंटरोगेटिव। नेक्स्ट गेट इट क्लीन योर क्लोज हेल्पिंग वर्क हिडन हेल्पिंग वर्क दे सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट फॉर्म योर क्लोज ऑब्जेक्ट्स योर क्लोज आऊगा सब्जेक्ट दे नीचे दे तो देन अगेन बाय बट अगेन क्लीन थर्ड फॉर्म ते हुण हिडन हेल्पिंग वर्ब डिड। सो टेक द हेल्प ऑफ अबव टू लाइंस डिड इज इक्वल टू सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू पावर। सो विच इज सूटेबल योर क्लोज तुहाडे कपड़े मोर देन वन इस करके प्लूरल ते आपां इत्थे लगावांगे वर्क योर क्लोज लीड बाय देन इंटरोगेटिव लास्ट बिल इज हेल्पिंग वर्ब कौन सा मेन हेल्पिंग वर्ब मेन हेल्पिंग वर्ब है यू सब्जेक्ट ओपन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यू आर न्यू शोरूम ऑब्जेक्ट इतने आ गया वर्ब योर न्यू शोरूम यू तो यू बाय ओपन ठीक टेक केयर बेल बेल मेन हेल्पिंग वर्ब सॉप ऑफ हेल्प नहीं लवेंगे एम भी पूरी करा बेल और शैल लगा के तो उन्होंने दोनों में सूटेबल कड़ा है जोड़ा हो शैल लगता होंगे अपने परसनल प्रनाउन के नाल वो कि परसनल प्रनाउन जोड़े कि होने है जो फर्स्ट परसन जो आप कहने आई और वही तो बाकी बेल बन जा बेल जो शोरूम हम इतने एक वर्ड हो रह गया बेल के आप बी यूज करते होंगे बेल के शहर के नाल बी यूज करते होंगे हमेशा ही बर्ड की थर्ड फॉर्म के बिल्कुल अगे लास्ट है लेंगे इंटरोगेटिव ये थोड़े है बॉयज ठीक है अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो तो इन जो है कंप्लीट करके जो बाकी दो सेंटेंस रह गए हैं उन्होंने सेंड करो।